मोतियाबिंद ऑपरेशन आपके सभी ऑपरेशन में सबसे कॉमन ऑपरेशन है, सबसे ज्यादा किए जाने वाला ऑपरेशन है। कई दशकों से मोतियाबिंद ऑपरेशन किए जा रहे हैं और हजारों लाखों की संख्या में रोज मोतियाबिंद ऑपरेशन होते हैं। ये होने के बावजूद लोगों में इसके प्रति बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, अवधारणाएं हैं, डाउट्स हैं, कुछ पुरानी चीजें दिमाग में चलती हैं। तो आइए बात करते हैं क्या क्या चीजें हैं जो पहले से लोगों के दिमाग में बैठी हुई हैं, लेकिन आज के मॉडर्न जमाने में, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जमाने में वो चीजें अब मान्य नहीं है। सबसे पहला, गर्मियों में मोतियाबिंद ऑपरेशन नहीं किया जाता, इससे आंख खराब हो जाती है। ये लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि मोतियाबिंद ऑपरेशन, कैटरेक्ट सर्जरी सिर्फ और सिर्फ ठंड में की जाती है, तो बिल्कुल गलत है। आज के एडवांस टेक्नोलॉजी के जमाने में जब हम मोतियाबिंद ऑपरेशन लेजर से या फिर जिसको हम टेक्निकल भाषा में फेको पद्धति से करते हैं, सूक्ष्म चीरे के थ्रू करते हैं, उसमें 12 महीने मोतियाबिंद ऑपरेशन सक्सेसफुली किया जा सकता है। गर्मी हो, बरसात हो, सर्दी हो, रिजल्ट बिल्कुल सेम आते हैं। तो आप किसी भी मौसम में जाके, कभी भी जाके मोतियाबिंद ऑपरेशन फेको पद्धति से, एडवांस टेक्नोलॉजी की पद्धति से सक्सेसफुली करवा सकते हैं। दूसरा, मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद अंधेरे में बैठना रहता है, पंखा नहीं चलाना रहता है, हवा से दिक्कत होगी, हिलना डुलना नहीं रहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद आप अगले दिन से ही घर के अंदर चलना फिरना कर सकते हैं, लाइट में, उजाले में बैठ सकते हैं। इनफैक्ट हम ये सलाह देते हैं कि अपनी रूटीन एक्टिविटी शुरू करिए आप, उल्टा अच्छा रहेगा आपके बॉडी के लिए, आपकी सेहत के लिए। थोड़ा थोड़ा टीवी देखना वगैरह भी चालू कर सकते हैं, आंखों पर बिना जोर पड़े। हाँ, ये जरूर है जो आंखों पर जोर वाली चीजें हैं, जैसे नजदीक का पढ़ने का काम, मोबाइल का यूज, ये सब आपको लिमिट में करना है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको अंधेरे में बैठना है या हिलना डुलना नहीं है। तीसरी चीज, मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद आप कोई कड़ी चीज नहीं खाइए, चबा के खाना मत खाइए, सिर्फ दाल चावल खिचड़ी दलिया खाइए, ये बिल्कुल भी नहीं है। मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद आप अपना घर का हेल्दी खाना अगले दिन से खा सकते हैं। रोटी, सब्जी, दाल, दूध, दही, फल सब खाइए। जो शुगर वाले मरीज है, बीपी वाले मरीज है, हार्ट वाले मरीज है, या किसी को और भी शारीरिक जो बीमारियों के लिए आपके डॉक्टर ने जो खाने पीने में परहेज बताए हैं, वो परहेज रखिए। आपकी तरफ से अलग से कोई परहेज नहीं होते हैं, लेकिन ये जरूर होता है कि जो खाना आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी करे, अपचन करे, पेट को खराब करने की क्षमता रखे, वो खाने से बचाव रखिए। तो इसलिए हम बोलते हैं बहुत तेल मसाले का या खट्टा खाना नहीं खाना। मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद 1 महीने तक आपको घर पे रहना है, काम से छुट्टी लेनी है, आप बाहर निकल नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद आप अगले दिन से घर के अंदर अपना चलना फिरना, हिलना डुलना, रूटीन एक्टिविटीज कर सकते हैं। इनफैक्ट हम प्रमोट करते हैं कि बॉडी की हेल्थ के लिए आप थोड़ा सा एक्टिविटीज अगले दिन से शुरू कीजिए। इनफैक्ट जो लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, सुबह घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं, वो साफ सुथरे वातावरण में सुबह सुबह प्रोटेक्शन वाले चश्मे के साथ धीरे धीरे करके चलना फिरना भी कर सकते हैं, लेकिन बचाव करके। जो काम काजी लोग हैं वो अपने काम के अनुसार काम पे वापस जा सकते हैं। तो जो ऑफिस वाले लोग हैं वो 6-7 दिन बाद वापस ऑफिस के काम शुरू कर सकते हैं, और जो बाहर हवा धूल का काम करते हैं वो अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार, उनके आंखों में कैसा प्रोग्रेस हो रहा है ऑपरेशन के बाद, वो अपने काम पे जल्दी ही वापस जा सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 1-1 महीने तक आपको छुट्टी लेके घर पे बैठने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें जो पहले, आज से 8, 10, 15, 20 साल पहले मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद जो लोगों के दिमाग में बैठा हुआ था, ये सब नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं रहा है। मोतियाबिंद ऑपरेशन एडवांस फेको पद्धति के द्वारा जो किया जाता है, लेंसेस लगाए जाते हैं, उससे रिकवरी ना केवल अच्छी होती है बल्कि फास्ट भी होती है।